अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, दाल वड़ा। खाने में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी है। आप इसे इफ्तार में या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दाल वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटर की दाल लिया है, ये तकरीबन 1 कप है, 100 ग्राम। हम इसे सबसे पहले भिगा देंगे। इसको हम भिगो कर रात में रख दिए हैं, ये तकरीबन 10-12 घंटा हमने इसको भिगो कर रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मैंने इसे रात में भिगो कर रख दिया है, अब सुबह चेक करेंगे। इसे कवर करके हम रख देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, हमारी दाल अच्छे से तैयार है। ये देखिए फूल गई है, अच्छे से तैयार है। तो हम सबसे पहले इसे धोकर इसका पानी सब निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, और फिर हमें इसे पीसना है। हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें दाल ऐड करेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब बाकी दालों को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। तो हम इसमें मिला रहे हैं अदरक, अदरक के 3 टुकड़े हमने इसमें ऐड किया है, 10 से 12 हरी मिर्च, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हम इसमें डाल रहे हैं 7-8 लहसुन की कलियाँ और सभी को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। तो हम सभी दालों को अच्छे से निकाल लेंगे एक बॉल में। हमने इसको दरदरा पीसा है, तो हम इसमें 1 प्याज तकरीबन ऐड कर रहे हैं बारीक कटी हुई। हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, इससे अच्छा फ्लेवर मिलेगा। हम इसमें मिला रहे हैं नमक, नमक अपने जायके के हिसाब से आप रखिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, तीखा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च भी ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें मिलाकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। दाल के मिक्सचर को हमने अच्छे से मिला लिया है, तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कप हरा धनिया कटा हुआ, हम इसमें ऐड करेंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर मिलेगा और कलर भी अच्छा आएगा। ये देखिए हमने कटा हुआ धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया है। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर तेल हीट करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसे वड़ा को फ्राई कर लेते हैं। हम इसे गोल शेप में फ्राई कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप उस शेप में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इफ्तार में तो ज़रूर बनाइए। तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, ये काफ़ी हद तक अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये हम इसे अच्छे से साइड चेंज कर लेते हैं। मैंने इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो हम इसे तेल से निकाल लेते हैं क्योंकि इसका कलर गोल्डन हो चुका है। बाकी वड़ा को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम इसे तेल से निकाल ले रहे हैं, ये भी मैंने इसे फ्राई कर लिया है। हमारा क्रिस्पी गर्मा गर्म वड़ा तैयार हो चुका है, तो हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हमारा दाल क्रिस्पी वड़ा तैयार है, तो हम इसे पुदीना की चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में ज़रूर याद रखें।